हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आर्ट गैलरी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी जो पेपर कटिंग मेरी बच गई थी उसको रीयूज़ करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने दिया होल्डर बनाया था उसी की कटिंग ये बची हुई है, तो उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इस कटिंग को ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट ले लिया है, कार्डबोर्ड ले लिया है और ग्लिटर शीट को हम एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट करेंगे ताकि हमें एक मजबूत बेस मिल सके, ताकि हम अपने वॉल डेकोर को अच्छे से वॉल पर सजा सकें। तो यहाँ मैंने इसीलिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अगर आपकी शीट ऑलरेडी हार्ड है तो यहाँ कार्डबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये थोड़ी सॉफ्ट है और बहुत ही पतली है, तो यहाँ मैंने इसीलिए इस कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अब मैं कार्डबोर्ड तो इसकी साइज़ का नहीं था, तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा काट के उसको साइड में पेस्ट किया है। जो हमारा साइड वाला हिस्सा था ये देखिए इस तरीके से ऊपर से कट के मैंने साइड में लगाया है। मैंने ग्लिटर शीट को नहीं कट किया, सो ये A4 शीट थी। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से ग्लू लगाकर इस जो बचे हुए पार्ट को यहाँ पर भी कार्डबोर्ड को ऐड कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जो मेरा पार्ट है वो उसको इधर से भी मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ मुझे ये कार्डबोर्ड थोड़ा और हल्का लग रहा था, मुझे इसको थोड़ा और मज़बूत बनाना था, तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड की एक लेयर और ऐड कर दी है। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मुझे और मज़बूत चाहिए था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं से ऐड करके एक पीछे अच्छे से बेस तैयार कर दिया है, देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, अपने कार्डबोर्ड को हाइड करने के लिए यहाँ मैंने एक वाइट पेपर ले लिया है ताकि ये हाइड हो जाए और किसी को शो भी ना हो कि हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर शीट को यूज़ किया है। शीट को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से इक्वल काट कर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको निकाल देंगे, ये देखिए। तो अब ये तीन लेयर तैयार हो गई है, वो अच्छे से मज़बूत हो गया है। अब हम जो कटिंग्स थी, जो बची हुई कटिंग्स थे, हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। और इसको और अच्छा मतलब बनाने के लिए हम यहाँ अब अपना मिरर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो मिरर के मतलब मिरर की जगह स्टोन भी ले सकते हैं, और या फिर मिरर और स्टोन दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ मिरर यूज़ किए हैं, देखिए इस तरीके से। आप कोई भी मतलब अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको अपनी कटिंग्स को किस तरीके से निकाल कर लाना है ताकि वो और अच्छी लगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ बची हुई लेस थी तो वो भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है एज अ बॉर्डर, तो इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, लेस लगाने के बाद यानी कि बॉर्डर तैयार करने के बाद हम यहाँ पर इन लाइट्स को ऐड कर देंगे। ये लाइट्स को भी मैंने लेस से कवर कर दिया है, मेरे पास लेस पड़ी हुई थी सिल्वर कलर की, तो उसी से मैंने इसको और डेकोरेट कर लिया है। इसको लगाने के बाद हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, रीयूज़ लगी होगी, हम कटिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मतलब जैसे ही आप लोगों के लाइक बढ़ते हैं या व्यूज़ बढ़ते हैं और सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो और मन में इच्छा जागती है कि और क्या बना सकते हैं हम, और क्या नया ला सकते हैं आप लोगों के लिए, ताकि वो चीज़ मैं आपसे आपके साथ शेयर कर सकूँ।
सो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।